गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम हमारा टॉपिक आगे कंप्लीट करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक अच्छे असेसमेंट जो है, जो एक अच्छा असेसमेंट होता है उसके लिए हम कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। असेसमेंट को अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स जो हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टूल, सही है, जिसका इस्तेमाल करके हम असेसमेंट को बेहतर बना सकते हैं। जैसे हम सिंपली बात करें तो टूल्स के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो असेसमेंट करने में हेल्पफुल होंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो सकते हैं, सिंपलिसिटी हो सकती है, या फिर एमसीक्यू टेस्ट हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातें करेंगे। तो वहीं अगर हम देखें तो कह रहे हैं उपकरण किसी भी योग्यता, क्षमता या उपलब्धि के मापन का सर्वोत्तम साधन होता है। अगर हम बात करें किसी भी टूल, तो बिना टूल के आप किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते, इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो किसी चीज़ का टूल होना ज़रूरी है। जैसे टीचिंग करवाना चाहते हो आप, लर्निंग करवाना चाहते हो, तो लर्निंग टूल्स के बारे में पढ़ते हो, टीचिंग टूल्स के बारे में पढ़ते हो, सही है, इंक्लूसिव टूल्स के बारे में पढ़ते हो। इसी तरीके से क्या है, असेस करने के लिए असेसमेंट टूल। तो एक अच्छा असेसमेंट टूल क्या होता है, किस तरीके का होता है? सबसे पहले चीज़ क्या होती है, इसकी वैधता, यानी कि इसकी वैलिडिटी कितने तरीके की कितनी हो सकती है। तो कह रहे हैं उत्तम उपकरण में वैधता का गुण या विशेषता होती है। इसका अभिप्राय है कि उपकरण को बालक की उसी योग्यता की जाँच करनी चाहिए जिसकी जाँच के लिए उसको बनाया गया, मतलब वैलिड होना चाहिए वो पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि बच्चों की केवल विषय संबंधित जानकारी लूँ, बच्चों की केवल जो है निर्माण संबंधित जानकारी लूँ, बच्चों को कंस्ट्रक्टिविज्म के तौर पर अगर जज करूँ, मैं देखूँ कि बच्चे कितने ज़्यादा रचनात्मक या संवादात्मक हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे टूल्स के अंदर क्या होना जरूरी है, वैधता होनी जरूरी है। तो एक अच्छा टूल जो होता है वो वैध होता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए। कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल वैधता का अर्थ है कि प्रेसी रॉबिन्सन का लिखना है कि उपकरण में वैधता तभी होती है जब वह वास्तव में उसी बात का मापन करता हो जिसके लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वैधता कितने प्रकार की हो सकती है, विशेष वस्तु की वैधता हो सकती है ना, पूर्ण कथन की वैधता हो सकती है, निर्माण संबंधित वैधता हो सकती है, या फिर समवर्ती वैधता भी हो सकती है। मतलब आप पर्टिकुलर किसी वस्तु पर, किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर आप जो है वैलिड कर सकते हो, किसी चीज़ को जज कर सकते हो, असेस कर सकते हो, किसी पूर्ण कथन पर जज कर सकते हो, किसी भी निर्माण पर जज कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी किस तरीके से ऐसी चीज़ें होती हैं। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता मतलब क्या होता है कि ऐसे टूल का इस्तेमाल करें जो काफ़ी टाइम से प्रचलित है, चलता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं आपने उसको अभी अभी जो है चलित करा है, या फिर आप जो है किसी भी तरीके से आप जो है ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, तो उसमें वैधता होने का बहुत ज़रूरी है, सही है, वैधता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सिंपली बात करें तो वैधता के साथ अगर हम बात करते हैं तो विश्वसनीयता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वो वैलिड होना चाहिए, वैलिड के साथ साथ क्या होना चाहिए, काफ़ी टाइम से वो प्रकार में हो, ऐसा हो, ऐसा ना हो कि हमने अभी किसी नई चीज़ का इस्तेमाल कर लिया जिसके बारे में हम ये भी नहीं जानते कि वो किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो कह रहे हैं विश्वसनीयता मतलब है कि उपकरण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणाम में किसी प्रकार का अंतर ना हो, समानता बनी रहे, ये विश्वसनीयता कहलाई जाती है। जैसे सिंपली अगर हम जो है फॉर एग्जाम्पल अगर हम का बर्गर खा रहे हैं, जिम में कालू टिक्की तो क्यों खा रहे हैं, लाइफ टाइम से वो एक जैसा आ रहा है ना, जब से हमने खाना शुरू करा है उसका टेस्ट वैसा ही है, कंटेंट वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ कुछ भी। तो विश्वसनीयता का मतलब यही होता है कि जिस टूल का आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, ऐसा ना हो कि आपने आज तो इस्तेमाल करा, आज से दो साल बाद जब आप उसी चीज़ पर अगर मान लो असेस कर रहे हो तो किसी क्लास का रिजल्ट अलग आ रहा है, किसी का अलग आ रहा है, अंतर देखने के लिए मिल रहा है। अंतर नहीं होना चाहिए, वो समान रूप से होना चाहिए। सही है जी। प्रैक्टिस एबिलिटी यानी कि यूजेबिलिटी भी देखते हैं कि वो उपकरण जो है सफलतापूर्वक जो है काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सही है, पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्टिव पर काम करना चाहिए। सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता होनी चाहिए उसके अंदर। सही है, ये उपकरण में गुण होने चाहिए। ऐसा ना आप जिस टूल का इस्तेमाल कर रहे हो वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, इवन टीचर को खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं जो असेस कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मैं निकालूंगा कैसे। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, इकोनॉमी पर काम करना चाहिए। कह रहे हैं उत्तम उपकरण में मित्रता का गुण होता है, इसका मतलब है किसी विशेष यंत्र या सामग्री का आवश्यकता ना होने के कारण वीए का कोई प्रश्न नहीं उठता। मतलब ऐसा टूल होना चाहिए कि अगर मान लो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो आप उस पर फालतू खर्च नहीं कर रहे हो, केवल तभी खर्च करोगे जब आप उस चीज़ को पढ़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ट्यूशंस ले रहे हैं तो तब तक ही जाते हैं जब तक हमारे एग्जाम होते हैं, उसके बाद थोड़ी ना जाते हैं पैसे देने के लिए उनको, है ना। और बुक्स तो अगर हम माने तो बुक्स तो एक ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिकली काफ़ी कन्वीनियंस होती है, एक बार खरीद लो जिंदगी भर वो बुक आपकी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, ज्ञान देती रहेगी आपको कहीं ना कहीं से। 10-11 चीज़ें लिखी हुई हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्या क्या गुण हो सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है बेटा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि आपका FA क्या होता है ना, जिसको हम बोलते हैं FA1, FA2, FA3 हो रहे हैं, तो ये भी मूल्यांकन का एक प्रकार है। इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो कह रहे हैं मूल्यांकन की तकनीकी और उद्देश्यों के आधार पर मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो उस इवैल्यूएशन में सबसे पहला इवैल्यूएशन होता है बेटा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सो ये जिसको FE या फिर FA के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट आ रहा है तो FA बोलेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है तो FE के नाम से जानते हैं। तो ये FE क्या होते हैं, फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम देखें तो
तो कह रहे हैं आधुनिक शैक्षिक मूल्यांकन में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, नया निर्णात्मक मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें सही कठिनाइयों के बारे में, बच्चे क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किस तरीके की वो प्रॉब्लम देख पा रहे हैं, कितना प्रभाव कौन सी चीज़ का डल रहा है, कौन सी चीज़ उन्हें ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, इवन बच्चों को क्लासरूम में कितना जो है जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम उन्हें पढ़ा रहे हैं वो कितना सीख पा रहे हैं, करिकुलम कितना उन्होंने अचीव कर लिया, कितने करिकुलम कौन से करिकुलम के थ्रू उन्हें पढ़ा पा रहे हैं। यानी कि एक टीचर ने अगर अभी किसी बच्चे को कुछ पढ़ा दिया है तो उसके बारे में किस तरीके से असेस करेंगे, तो वो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाता है। कह रहे हैं जब पाठ्यक्रम तथा निर्देशन प्रक्रिया चलन में हो तो परीक्षण अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा करना ही निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाया जाता है, इसी को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। फॉर्मेटिव का मतलब होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन करना, सही है जी। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है जिससे आप किसी चीज़ का निर्माण कर सको, कोई रूपरेखा दे सको। रूपरेखा देना ही जो रूप जिस वजह से हम कोई रूपरेखा दे पाते हैं वही हमारा फॉर्मेटिव रिवॉल्यूशन कहलाया जाता है, सही है। इसकी कुछ पर्टिकुलर जो है विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं उससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेंगे कि किस तरीके का होता है। कह रहे हैं मापदंड संदर्भी या फिर मानक संदर्भित परीक्षाओं का निर्माण रूप देव मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव रिवॉल्यूशन में विषय स्वामित्व, विषय सामग्री के स्वामित्व के लिए किया जाता है। जो सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं ना उसी पर हम उनको जज करेंगे। कैसे कर सकते हैं? इंटीरियर टेस्ट दे सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं, अंतरिम परीक्षा यानी क्लासरूम में बिठाए बिठाए ओरल टेस्ट ले लिया, इकाई परीक्षण हो सकता है, अधिगम का परीक्षण हो सकता है, या फिर क्विज भी हो सकता है जिसके थ्रू हम बच्चों को असेस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं किसी बेसिस पर। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? अगर हम रूप दय मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात करें तो सबसे पहले क्या है, पुस्तकों पर ही आधारित होगा ना भाई। जब विषय के बारे में बात कर रहे हैं तो केवल सब्जेक्ट कंटेंट्स के बारे में ज़्यादा हम जो है ध्यान देंगे, जो इसका मेन उद्देश्य होगा वो सिलेबस से ऊपर होगा, सिलेबस से रिगार्डिंग होगा, बुक से रिगार्डिंग होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो कह रहे हैं रूपदेव मूल्यांकन में अधिगम की एक विशेष इकाई का चयन किया जाता है। यहाँ पर जो है करिकुलम जितना भी बना हुआ है, करिकुलम फ्रेमवर्क या फिर जितना भी अधिगम का निर्माण किया गया है बच्चों को ध्यान में रखकर, उसमें से पर्टिकुलर किसी एक चीज़ एक इकाई के बारे में देखेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, एक एम पर चलेगा। होल क्वांटिटी या फिर होल आइटम्स का हम यहाँ पर मूल्यांकन नहीं करते, बच्चे को केवल एक क्षमता के आधार पर ही जज किया जाता है। कह रहे हैं इकाइयों के तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे विषय सामग्री है ना, विद्यार्थी का व्यवहार कैसा है, विषय सामग्री से संबंधित बच्चे के उद्देश्य कौन कौन से और कौन कौन से उद्देश्यों की पहचान हो पा रही है, सही है, पहचान हो पा रही है, या फिर किस किस उद्देश्य को हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर पा रहे हैं, कौन कौन से उद्देश्य सही तरीके से चल पा रहे हैं। कह रहे हैं ये अधिगम कठिनाइयों को पहचान करता है, ये क्या होता है प्रॉब्लम फेसिंग वाला एक तरीके का पॉइंट है, सही है, पता लगता है कि बच्चे कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अधिगम को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्लासरूम में बैठकर। हो सकता है उनको कोई टीचर से प्रॉब्लम हो सकता है, उनको बुक में लिखी हुई चीज़ें का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही हो सकता है, जो मैथड टीचर पढ़ा रहा है वो मैथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल सकती हैं। कह रहे हैं ये अधिगम जो है इसमें नए शब्दों, नवीन संबंधी और नवीन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, केवल नए बेसिस पर होता है, कुछ नया ऐड किया जाता है बच्चे के अंदर ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग बन सके। उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं तो एक ही इकाई पर करेंगे, एक ही तत्व पर करेंगे। बेसिकली किसके ऊपर ये जो है डिपेंड करता है, क्या क्या प्रदान करता है, ये पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तक, अभिक्रमित अनुदेशन, फिल्म के रूप में उपचारात्मक अनुदेशन सामग्री प्रदान करता है, सही है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है, किताबों के बारे में बात करेंगे, एक्टिविटी बुक्स के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल बुक्स के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बात करेंगे, सही है जी। इसके थ्रू असेस कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टर पर कोई चीज़ दिखा सकते हैं बच्चों से, कुछ बोल सकते हैं कि आप जो है पीपीटी वगैरह बना कर लो। उद्देश्यों की प्राप्ति पर यहाँ पर अधिक बल दिया जाता है, और ये जो है ना पुनर्बलन भी प्रदान करता है, रीइन्फोर्समेंट पर भी काम करता है। रीइन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि आपके प्रति अगर आपसे कोई काम करने के लिए दिया जा रहा है तो बार बार उस काम को कराने के लिए हम बार बार अगर आपको कोई कंडीशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और आप तभी वो क्रिया कर रहे हो, ये रीइन्फोर्समेंट किया जाता है। आपके जो उद्देश्य होते हैं ना उनको प्राप्ति पर ज़्यादा बल दिया जाता है यहाँ पर, है ना। प्रेरणा प्रदान करता है, मोटिवेटिव होता है, क्योंकि केवल पर्टिकुलर एक इकाई पर काम कर रहा है तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बच्चे भी डीपली समझ पाएंगे कि हाँ हमें कौन सी चीज़ में दिक्कत आ रही है, कौन सी चीज़ में दिक्कत नहीं आ रही। इसलिए आप देखते हो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वाला सिस्टम है, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो पर्टिकुलर क्लास में हर सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें की जाती हैं, सही है जी। इसके ना कुछ बेटे मेरिट्स होते हैं कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, तो विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देने में सहायक होता है, सही है जी। करिकुलम में हेल्पफुल करता है, किस तरीके का करिकुलम बनाना चाहिए, क्योंकि ये निर्माणात्मक है, निर्माणात्मक यानी कि रूपरेखा तय कर रहा है, तो रूपरेखा तय करने का मतलब ही यही है कि किस तरीके के अधिगम का इस्तेमाल कर हम किस तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक को जो है
फीडबैक प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। अध्यापक को पता लग पाता है कि वो जो चीज़ें बच्चों को सिखा रहे हैं क्या बच्चों को वो चीज़ आई है या नहीं आई है ना, लक्ष्यों को स्थापित करने में हेल्प करता है। बच्चा अपनी गलती को जज कर लेता है, देख लेता है मूल्यांकन की वजह से उसे पता लग जाता है मुझमें क्या कमी है, तो मैं फ्यूचर के लिए उन चीज़ों को ठीक करूँगा ताकि मैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकूँ, है ना। अधिगम क्रम के निर्माण में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है क्या करने में, सिक्वेंस को बनाने में, सही है, फ्रेम करने में। विद्यार्थी को जो है प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, यानी कि फीडबैक देता है स्टूडेंट्स को भी, केवल टीचर्स के लिए फीडबैक प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, स्टूडेंट्स के लिए भी फीडबैक प्रोवाइड करवाता है। अगेन वही रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि पुनर्बलन पर ध्यान देगा, क्योंकि जब इसका मेन उद्देश्य यही है कि पुनर्बलन के थ्रू ही सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी पर ध्यान भी दिया जाता है। अधिगम की कठिनाई को पहचानने में भी सहायक होता है, किस तरीके की चीज़ें जो है समस्या जो है वो उत्पन्न हो पा रही है क्लास के अंदर, उन समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से वो समस्या ठीक हो पाएंगी, इन सारी चीज़ों पर भी ये ध्यान देता है। इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ यही वाली चीज़ होती है, बट इसको ना असेसमेंट भी बोल देते हैं कभी कभी, लिखा होता है कहीं कहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट, सही है, सबमेटिव असेसमेंट। तो असेसमेंट का मतलब ये असेस करना यानी कि मूल्यांकन करना, आंकलन करना किसी चीज़ की, रूपरेखा देने वाला फॉर्मेटिव कहलाया जाता है। और सबमेटिव क्या होता है, ये भी जो है अगर हम बात करें ये आखिरी चरण को पूरा करता है, अगर रूपरेखा देनी है ना सबमेटिव में ही वो रूपरेखा पूरी तरीके से जा पाएगी। कह रहे हैं जब रूप दे निर्माणात्मक मूल्यांकन अपना आखिरी चरण पूरा करता है, वहाँ संकलनात्मक चीज़ें ये आने शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार ये भी कहा जाता है कि संकलनात्मक मूल्यांकन या फिर योग दे जो होता है, मतलब सब चीज़ों का सम, इसलिए समेटिव बोला गया। फॉर्मेटिव का मतलब क्या, अलग अलग, जैसे आप देखते हो कि आपके चार यूटी या पांच यूटी ले जाते हैं। फर्स्ट टर्म की मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, आपके टाइम में ऐसा होता होगा तो दो बार यूटी होते थे, दोनों बार यूटी के मार्क्स को एवरेज करके निकाला जाता था, उसके बाद जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होते थे वो सबको मिलाकर मार्क्स को लेकर आपको एक मार्कशीट दी जाती थी जो कि आपकी फर्स्ट टर्म की होती थी, तो उसको समेटिव बोलते हैं। समेटिव का मतलब क्या बेटा, योग दे। और फॉर्मेटिव का मतलब क्या, आपका रूपरेखा, यानी कि वो रूपरेखा तैयार कर रहा है, लेकिन रूपरेखा का लास्ट स्टेप जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वहाँ से समेटिव स्टार्ट हो जाता है। तो सबमेटिव का मतलब क्या है, इसका जो उद्देश्य होता है ना वो केवल पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, ऐसा नहीं है वो पुस्तकों पर आधारित है, विषय संबंधी चीज़ों पर आधारित है, या आपको रीइन्फोर्स कर रहा है, पुनर्बलन पर ध्यान देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके पर्टिकुलर कुछ चीज़ें, कुछ जो हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती हैं, क्या क्या होती हैं वो हम देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा देख लो बेटा क्या है, कह रहे हैं संकलनात्मक मूल्यांकन को तीन ढंगों से देखा जा सकता है। सबसे पहला अपने ही संदर्भ में विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए, सही है, अपने यहाँ पे देख लो कि विद्यार्थियों के अंदर कितनी चीज़ें चेंज आई हैं, कितनी नहीं आई हैं, उनके अध्यापक के द्वारा जो है जो कसौटियाँ या फिर जो अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, बच्चा किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज़ को पार कर पा रहा है, उसके सहपाठियों की प्रगति में भी ये चीज़ देखी जा सकती है। पीयर ग्रुप्स भी आ जाएंगे यहाँ पर, सही है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं बेटे, इसके नोट्स जो है ना इंग्लिश मीडियम में वो मैं प्रोवाइड करवाऊँगी, सही है, इंग्लिश मीडियम वालों को नोट्स मैं दूंगी, हिंदी मीडियम वाले अपने तरीके से लिख लें। कह रहे हैं संकलनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य विषयों के उद्देश्य उपलब्धियों के अनुसार जो है स्तरीकरण करना होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चे जो है अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके उद्देश्यों की उपलब्धियों के अनुसार ही अपने आप को ढालना शुरू कर दें, किसी भी पाठ्यक्रम की समय सीमा या फिर सेमेस्टर के पश्चात किया जाता है, सही है। अगर मान लो 6 महीने के बाद ही फर्स्ट टर्म होंगे तो 6 महीने के बाद फर्स्ट टर्म होंगे ना, तो पर्टिकुलर एक सीमा निकलने के बाद ही ये चीज़ें की जाती हैं, इससे पहले नहीं की जाती। इसी के साथ साथ क्या है कि विद्यार्थी की उपलब्धि के स्तरीकरण का उचित और विश्वसनीय साधन भी है, सही है। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करें तो बच्चों की जो है स्थिति को सुधारने के लिए, बच्चों के स्तर को, बच्चे को लेवल को सुधारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बच्चा अपने आप को देख सके, जज कर सके कि हाँ मेरे अंदर कौन सी खामियां हैं, मैं कौन कौन सी चीज़ों को सही कर सकता हूँ, किस तरीके से उन चीज़ों को सही कर सकता हूँ, वो सारी बातें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। इसी के साथ साथ क्या है, ये प्रतिपुष्टि प्रदान नहीं करता, सही है। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है, रीइन्फोर्समेंट में कोई काम नहीं करेगा, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आप इससे जो है अपनी चीज़ों को अपनी रूप दे सकते हो, सही है। आप केवल एक लास्ट पॉइंट देख पाओगे कि आपका एज अ सम, एज अ होल आपके अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कौन सी प्रॉब्लम्स नहीं है। कह रहे हैं इसका प्रयोग अध्यापक पाठ्यक्रम और शैक्षिक योजना को प्रभावशील करने के लिए किया जाता है, सही है, ताकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो एक प्रभावशाली चीज़ हो। देखो फर्स्ट टर्म के बाद ही आपने सुना होगा टीचर्स कहते हुए नजर आएंगे आपको कि अभी भी वक्त सुधर जाओ, फर्स्ट टर्म का मतलब यही होता है कि ये तुम्हारा आईना है ताकि आप अपने मार्क्स को देख सको और अपनी मजबूरी और अपनी जो जितनी भी कमियाँ हैं आपकी या जिस चीज़ों में आपको प्रॉब्लम फेस करने के लिए जहाँ आपके मार्क्स कटे हैं देख लो, ताकि बोर्ड में आपके दोबारा नंबर न कटे, फाइनल टर्म में आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। तो उसका मतलब क्या, सिंपल सा मतलब यहाँ पर यह है कि जो सबमिटिव असेसमेंट होता है वो एक लास्ट वाली चीज़ होती है, जिसके थ्रू ना हम प्रभावशाली बनाते हैं अपने क्लासरूम्स को, टीचर्स की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसको प्रभावशाली बनाया जाता है, सही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। कह रहे हैं इसके परिणाम का प्रयोग विद्यार्थी के वर्गीकरण भविष्य में सफलता के लिए किया जाता है ना, एक तरीके की भविष्यवाणी होती है। फर्स्ट टर्म सबमिटिव वगैरह हो जाएंगे तो उस समय ये पता लग जाता है कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है, अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ अचीव कर सकता है। मान लो उसके मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मैं उसको जज कर सकती हूँ, हाँ भाई तुम जो है
कॉमर्स साइड लेना, अकाउंट्स पढ़ना है, बिजनेस पढ़ना है, मैथ्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से आना, पीएचडी कर लो भाई, कुछ ऐसा कर लो, सीए बन जाओ, सीएस बन जाओ। तो मैंने पर्टिकुलरली हम भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं, ऐसे की वजह से ही भविष्यवाणी कर पाते हैं, वैसे की वजह से इतनी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यूट्यूब में केवल एक चैप्टर आता है, ऐसे में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, तो बहुत सारे कंटेंट का जजमेंट कर रहे होते हैं हम ऐसे में, यानी कि समेटिव एवोल्यूशन में। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में इतना कुछ नहीं कर रहे होते, वहाँ पर उपलब्धि के बारे में देखा जाता है केवल, सही है। लाभ निदात्मक या फिर उपचारात्मक ना होने का परिणामाचक भी होता है जी, इससे पता भी लगता है कि किस चीज़ को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसका लाभ क्या होगा, है ना। ग्रेड देने का आधार होता है, सही, ग्रेड्स दे सकते हैं, सर्टिफिकेट बना सकते हैं, नॉलेज और प्रोग्रेस के सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं हम, पर्टिकुलर गाइडेंस दे सकते हैं बच्चों को, ये हेल्प करता है कंपेरिजन करने में दो लोगों के बीच में, सही है। और जो है प्रमोशंस करने में भी हेल्पफुल होता है। पदोन्नति का मतलब क्या होता है, देखो ये जो ऐसे होता है ना, ये जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, इसके थ्रू ही हम जो है ना ये पता लगा सकते हैं हमें किसको जो है अब एक पोस्ट हटाकर उसको जो है इंक्रीमेंट करना है, वो एक पोस्ट छोड़कर किसी ऊंची पोस्ट के लिए लाभदायक है भाई, इतना एबल है कि उसको ऊंची पोस्ट दी जा सकती है, तो ये सारी चीज़ खिलाई जाती है। वहीं अगर हम बात करें एसेस द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, किस तरीके से आप किसी बच्चे की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, तो दो तरीके का मूल्यांकन होता है, एक होता है गुणात्मक यानी कि जहाँ पर केवल क्वालिटी को असेस किया जाता है, एक होता है आपका जो है मात्रात्मक यहाँ पर जहाँ पर मात्रा के हिसाब से यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से आप मेजरमेंट करते हो कि बच्चे का आखिर कैसा व्यवहार है कैसा नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करें बेटा, क्वालिटी असेसमेंट की बात करें, सही है, क्वालिटी इवैल्यूएशन की बात करें, तो वो किस तरीके से आप मूल्यांकन करोगे, सबसे पहले क्या होगा, व्यवहार का मूल्यांकन किया जाएगा। क्वालिटी का मतलब क्या है कि बच्चे की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार किस तरीके का है, तो जब व्यवहार किस तरीके से है, हम इंटरनली बच्चे को जज कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले उसका बिहेवियर देखेंगे, उसके बाद उसका जो है सोच देखेंगे, परसेप्शन क्या है, दृष्टिकोण क्या है जी बच्चे का, उसके बाद ये देखेंगे कि विद्यार्थी के तनाव का परीक्षण करेंगे कि बच्चा किस कितने चीज़ों को एक पेशेंटली एक पीसफुलनेस के थ्रू संभाल सकता है, ऐसा ना हो कि बच्चा बहुत ज़्यादा एकदम से हाइपर हो जाए। बुद्धिलब्धा देख सकते हैं उसके दिमागी रूप से वो कितने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर सकता है ना, कौन कौन सी चीज़ों को आगे कर सकता है। और व्यक्तित्व निर्धारक जो है परीक्षण किया जाता है, व्यक्तित्व निर्धारक का मतलब क्या होता है, एक बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी लेने के लिए की जाती है सारी की सारी चीज़ें। ये तो गुणात्मक है, गुणों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, पर्टिकुलर माप के नहीं बता रहे कोई चीज़। दूसरा होता है आपका जो है मात्रात्मक मूल्यांकन, यानी कि जहाँ पर आप नाप रहे हो, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी असेसमेंट, क्वांटिटी असेसमेंट कहा जाता है इसको, क्वांटिटेटिव असेसमेंट, सही है। बच्चों को जो है प्राप्त अंकों के लिए उनका ज्ञान का कितना सृजन हो रहा है उसको देखने के लिए किया जाता है। इसके लिए केवल सिंपली जो है आप एग्जामिनेशन से करोगे, मार्क्स के थ्रू ही आप बच्चों को बता पाओगे, इसके अलावा नहीं बता पाओगे। गुणों में मार्क्स का कोई रोल नहीं होता, लेकिन अगर आपको क्वांटिटी बेसिस पर बताना है तो वहाँ पर मार्क्स का कोई रोल होता है, एक पर्टिकुलर सीमा होती है। जी ये फर्स्ट आ जाएगा तो ये एवरेज बच्चा हो गया, मिडिल क्लास बच्चा हो गया, ये जो है आप ओवर इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, क्रिएटिव हो गया, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसलिए मात्रात्मक बेसिस पर भी। तो प्रश्न के जो आंसर दे देता है, तो जितने भी मार्क्स मिलते हैं मार्क्स के आधार पर हम बच्चे को बोल देते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो काफ़ी अच्छा बच्चा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सुनते ही फर्स्ट आ रहा है अच्छा जी इंटेलिजेंट होगा, तो एक सोच बन जाती है, एक परसेप्शन बन जाता है। यही सारी चीज़ें हैं बेटा, इतना कंप्लीट करेंगे मैं आपको जो है इसके बाद नोट्स भेजूंगी बेटा इंग्लिश मीडियम के, आप उसको कम से कम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं दो दिन तक नोट्स को कॉपी करें, वो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट के खास तौर पर।